शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी थैंक यू गुरुजी शुक्राना गुरुजी एंड हैप्पी मकर संक्रांति सबको हमारी जर्नी शुरू हुई 2011 से मैं बस इन शॉर्ट बताऊंगी जर्नी के बारे में तब न्यू जर्सी में मंदिर नहीं हुआ करते थे और घरों में ही सत्संग होते थे और तब से फिर हमने सत्संग करने शुरू किए और फिर गुरुजी ने मौका दिया कि 2014 में ओकट्री का मंदिर हम सब ने मिलकर शुरू किया और आज ये ब्लेसिंग है कि न्यू जर्सी में 3 गुरुजी के मंदिर है बट मेरा ये सत्संग अभी रीसेंट सत्संग है December 11, 2023 का मुझे उस दिन जूरी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था बट एक वीक पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरा बैक आई जस्ट कुड नॉट गेट अप तो आई हैड टू टेक एन एक्सक्यूज़ बट हमने उस दिन दरबार सेवा भी करनी थी आई वॉज फीलिंग लिटिल बेटर तो मैं दरबार सेवा में भी आई हुई थी उस दिन अब हुआ ये कि उस दिन हमारे पास सेवादार बहुत कम थे और दरबार बहुत बड़ा था जिसको पूरा हमें रिवैम करके नया दोबारा से बनाना था तो करते करते ऑलमोस्ट लाइक 4:15 हो गए और हम बस एंड में 2 सेवादार बचे थे और हुआ ये कि मैं यहाँ से बस नीचे उतर ही रही थी कि देखा वेज गिरने लगा तो जब वेज गिरने लगा तो मैंने उसका बचाव करने की कोशिश की क्योंकि उसके आगे ही कैंडल होल्डर रखा हुआ था तो मैंने कहा अगर ये टूट गया तो हमारा काम और बढ़ जाएगा और 5 बजे वापस सत्संग शुरू होना है शाम को तो उसका बचाव भी हुआ और पूरे फ्लोर पे पानी हो गया क्योंकि वो वेज बहुत ही बड़ा था उस दिन और फिर सम रीज़न मुझे वैसे मॉपिंग करने का मौका नहीं मिलता स्टेज पे कोई ना कोई आता है तो हमेशा कहते हैं कि आज मैं करूँ आज मैं तो लगता है कि जिसको भी मौका मिल जाए गुरुजी करा ले उस दिन गुरुजी ने पूरा स्टीम मॉप भी कराया और वो स्टीम मॉप इतना गर्म हुआ था कि मुझे करीब करीब 45 मिनट्स लग गए इस प्लेटफॉर्म को पहुँचते हुए उसके बाद भी वो ड्राई नहीं हुआ तो फिर मैंने पूरा बाउंटी से वापस इस प्लेटफॉर्म को वाइप किया अब जब वो वेज गिर गया तो हम सब इतने डर गए कि क्योंकि हम 2 ही बचे हुए थे और पूरा दरबार रेडी था उस पर जब पानी गिर जाए तो उसको हम क्या कैसे क्लीन अप करें किचन से बड़े तौलिए लिए हम लोगों ने पूरा गुरुजी ने फिर से मॉपिंग करवाई मेरे से तो जो आंटी थी वो कहती है कि पूर्वी आंटी गुरुजी आपका और मेरा कुछ कष्ट कटवा रहे हैं मैंने कहा ये नहीं पता मुझे गुरुजी क्या करवा रहे हैं बट आज गुरुजी की यही मर्ज़ी है और मैंने वाइप किया सब कुछ हमने वाइंड अप करके मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मेरी बैक ऑलरेडी उस दिन दे चुकी थी एंड मुझे ग्रोसरी भी करने जाना था तो मैं चल पड़ी यहाँ से अपनी कार लेके एंड आई थॉट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टॉप बाय होम आई एम सो टायर्ड आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी और मैं संजीव अंकल से बोलूँगी कि कॉफ़ी बना दे मुझे और फिर मैं ग्रोसरी तो मैंने कम्युनिटी में राइट टर्न लिया गाड़ी पार्क करी मैं 2 मिनट फॉर सम रीज़न पता नहीं क्या हुआ मैं 2 मिनट गाड़ी में बैठी और डीप ब्रेथ लिया लॉक किया फॉब को अपने जैकेट में डाला अंदर चली गई और मुझे मंदिर से किसी का फ़ोन आया कि कुछ उनको सत्संग के बारे में पूछना था तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर एंड सडनली आई गेट अनदर कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन इन माई कम्युनिटी एंड शी टेल्स मी कि तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई है तो मैंने कहा तू पागल है आई जस्ट केम इन एंड आई सेड आई जस्ट पार्क सब कुछ ठीक है कहती नहीं 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 इट्स 93 नंबर फोटोज़ आ गई ऑलरेडी कम्युनिटी के वाले उसमें और तुम्हारी गाड़ी जल रही है तो मैंने कहा उसे ये नहीं हो सकता और मैंने संजीव अंकल से बोला और हम दोनों भागे ऊपर से एकदम नीचे और हमें कोई शोर नहीं पता लगा कि फायर फाइटर्स कम्युनिटी में आ चुके थे दे वर कॉप्स एंड दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर बट बाय द टाइम वी वेंट आउट द कार वॉज टोटली गटेड एंड द बैक पार्ट वॉज एग्जैक्टली इंटैक्ट Nobody can say that anything happened to this car, but the front और वो भी डैशबोर्ड तक जहाँ पर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था कार पूरी गट हो गई थी और ये सब कुछ होता है करीब करीब 16 मिनट में आई गो इन आई सिट अभी तो कॉफ़ी भी नहीं बनी संजीव अंकल वॉज ऑन फोन कॉल सो आई कुडंट इवन स्पीक विथ हिम तो बाई द टाइम मैं और संजीव अंकल बाहर जाते हैं 16 मिनट में तो कार इज़ कम्प्लीटली डन एंड आई एम जस्ट क्राइंग एंड टीयर्स कि क्या होता अगर मैं वहीं से कंटिन्यू करके चली जाती मैं ग्रोसरी के लिए जाने वाली थी और लकीली गाड़ी गराज में भी पार्क नहीं थी अगर गराज में पार्क्ड होती तो कितना डैमेज हो सकता था और इस बार ही हुआ ये कि बेटा भी घर पे था छुट्टी के लिए तो बेटा आया हुआ था तो मैंने उसे बोला कि तू इस बार मेरी कार चलाएगा पापा की नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उसी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ब्रांड न्यू मर्सिडीज टोटल कर चुका था आइस पे स्लिप हो गई थी कार तो कहता नो दिस टाइम आई एम नॉट ड्राइविंग योर कार तो मेरी 2 दिन काफ़ी लड़ाई भी हुई उसके साथ बट वो ज़िद पे ही आ गया कि आपकी कार नहीं चलाऊँगा एंड आई थिंक गुरु जी की यही मर्ज़ी थी बहुत बहुत शुक्राना है कि बच्चा गाड़ी नहीं चला रहा था मैं गाड़ी चला रही थी वो और लकीली मैंने भी चलाई नहीं पार्क करके रखी
ना मैं ज्यूरी ड्यूटी पे थी, ना मैं उस दिन ग्रोसरी करने गई उसके बाद उसी गाड़ी को लेके, पता नहीं क्या डैमेज होता और गुरुजी ने क्या बचाव किया। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने जो लोड़ी दी है कि फैमिली का बचाव करके, और किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी गुरुजी की भी दी हुई थी, गुरुजी ने संभाल लिया उसको, बस यही शुक्राना है। अगेन गुरुजी सबको अपने चरणों से लगाए रखे, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें, और बस धन्यवाद। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा।